पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर ड्राई वेदर रहा है। जाजपुर में डेंस फॉग ऑब्जर्व की गई है। हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर बोलांगीर में 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर का हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर 37.6 और कटक का 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। टॉप 8 प्लेसेस जो उड़ीसा की इस प्रकार से, जिसमें 40 डिग्री से ऊपर अंगुल, तितलागढ़ और बोलांगीर में है। मैक्सिमम टेम्परेचर 24 आवर चेंज की बात करें तो झारसुगुड़ा सबसे ज्यादा चेंज 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर में -0.5 डिग्री सेल्सियस चेंज दर्ज किया गया है मैक्सिमम टेम्परेचर में। मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से डिपार्चर, सबसे ज्यादा डिपार्चर बोलांगीर में 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बारिश सबलपुर में 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। भुवनेश्वर में 2.2 और कटक में 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है और 5 डे फोरकास्ट अगले तीन दिन तक उड़ीसा के ऊपर ड्राई वेदर रहने की संभावना है। उसके अगले दो दिन में कुछ एक दो स्थानों पर उड़ीसा के कुछ डिस्ट्रिक्ट में हल्की से मध्यम वर्षा और थंडर शावर होने की संभावना है। इनमें से 20 तारीख को कंधमाल, रायगढ़, करोपट, मलकानगिरी, गजपति, गंजम में और 21 तारीख को कोस्टल उड़ीसा, मयूरभंज, केवंझर, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। टेम्परेचर फोरकास्ट में अगले दो दिन तक टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर में ज्यादा बदलाव ना देखे जाने की संभावना है। उसके बाद 2 से 3 डिग्री तक फॉल होने की, टेम्परेचर में गिरावट देखी जा सकने की संभावना है। जो डे 1 में बोलांगीर, सोनपुर, बोध, संबलपुर, झारसुगुड़ा, अनुगुल, नयागढ़ में हीट वेव आने की संभावना है, इसलिए येलो वार्निंग दी गई है। इस तरह डे 2 में बोलांगीर, सोनपुर, बोध, संबलपुर, अनुगुल में येलो वार्निंग दी गई है हीट वेव के लिए। और बात सिस्टम की, तो लो प्रेशर एरिया जो अभी सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ वे बंगाल में बना हुआ है, वह 21 तारीख तक साइक्लोनिक स्टॉर्म में इंटेंसिफाई होने की संभावना है। उसके बाद ये सिस्टम जो 22 तारीख को बांग्लादेश और उत्तर म्यांमार कोस्ट के पास पहुंचने की संभावना है। और फिलहाल इस सिस्टम का उड़ीसा के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है।